हेलो जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और फाइनली मैं अपने घर लौट आया हूँ 3-4 दिन के लिए, जो मैं बाहर था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। और कल के जैसा मैंने एक ब्लॉग बना के डाला था जो अपने चैनल पर, जो मैं कहीं से आ रहा था तो मुझे एक इनॉक्स दिखा और मुझे फिर सडनली याद आया कि आज तो जो है वो 19 अगस्त है और आज से थिएटर जो है वो खुलने वाले हैं और सबसे बड़ी मूवी एक सबसे बड़े सुपरस्टार की आने वाली है, बेल बॉटम। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना के आप सबके लिए डाला जाए, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बेल बॉटम के लिए जो ब्लॉग बनाया था मैंने, क्या था सिचुएशन इतने लंबे समय बाद जब थिएटर्स खुले थे, कैसे लोग आ रहे थे, उसमें कैसा सीन था अंदर का, कैसे सिचुएशन थी, थिएटर खाली था या भरा था अक्षय कुमार की मूवी के लिए, वो सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। तो वो उसकी लिंक जो है वो उस ब्लॉग की लिंक मैं जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार उसे जाके जरूर देखें। और साथ ही साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेल बॉटम का, जैसा मैंने बोला था कल के ब्लॉग में कि रिव्यू हम इसका अलग से करेंगे सेपरेट वीडियो में। कल तो एक सिर्फ मैंने एक ब्लॉग बनाया था आपको दिखाने के लिए कितने लंबे समय बाद जब थिएटर खुले हैं तो क्या क्या चीज़ें बदली हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं बदली हैं थिएटर्स के अंदर, तो वही सब चीज़ें जो है वो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज ब्लॉग जरूर देखें एक बार। और अब बात करते हैं बेल बॉटम मूवी की। थिएटर्स खुले हैं और बड़ी मूवी से थिएटर्स की ओपनिंग हुई है, बेल बॉटम अक्षय कुमार स्टारर मूवी। और जैसा हमने ट्रेलर में ही इसकी सारी बात कर ली थी और ट्रेलर में ही मैं ज़्यादा सब कुछ समझ में आ गया था कि इसमें ऐसा ऐसा होने वाला है, एक रॉ एजेंट बने हैं अक्षय कुमार, उन सारी चीज़ों को ये मूवी दिखाती है। जो 210 पैसेंजर्स को हाईजैक किया गया था 1984 के टाइम पे, उसको इस रॉ एजेंट ने किस तरह से बाहर निकाला था और कैसे उन हाईजैकर्स को पकड़ा था, वही सारी कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो अब मूवी के अंदर की बात करते हैं, मूवी में क्या अच्छा था और क्या बुरा था। तो मेरे ख्याल से मैं मूवी की उतनी बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मेरे अंदर से जब मैं एंटर किया आईनॉक्स में तो वो फीलिंग ही अलग आ रही थी मुझे कि यार आप कितना भी OTT पर कुछ भी देख लो, शेरशाह हिट हो जाए, भुज फ्लॉप हो जाए या बड़ी से बड़ी मूवी देख लो, थिएटर्स थिएटर्स ही होते हैं यार। थिएटर्स का मज़ा, थिएटर्स को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता लाइफ में, मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। थिएटर्स जब आप एंटर करते हो, इतनी सारी पब्लिक दिखती हो, जब आप हॉल में जाते हो फिर वहाँ पर जो नेशनल एंथम बजता है, सारे लोग देखते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और जो एक अलग से साउंड आता है ना, वो आपको थिएटर्स में ही फील होगा, आप और कहीं दुनिया में फील नहीं कर पाओगे। तो मैं तो बहुत, मुझे तो मैं बताऊँ, मैंने बहुत इन्जॉय किया मूवी को, हालांकि थिएटर्स में कोई नहीं था, जैसा आपने देखा होगा ब्लॉग में, थिएटर्स में सॉरी माफ़ कीजिए हॉल में कोई इतनी पब्लिक नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा इतना मन लग गया, इतने चाव से मैंने मूवी देखी मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं तो इतना हो गया था, मुझे ये पता नहीं चला कि कब इसका इंटरवल हो गया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद हम थिएटर्स में आए हैं। वैसे एक आपको लगने लगता है अगर आप रेगुलर रहें थिएटर्स में देखते रहें तो लगता है कि चलो अब इंटरवल होने वाला है, अब इंटरवल होने वाला है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखते चले गए, सडनली वहाँ पर लिखा है मध्यांतर, तो मैंने कहा इतनी जल्दी मध्यांतर, मैंने कहा फिल्म छोटी है क्या, फिर मैंने टाइम देखा नहीं, मैंने कहा 1.25 घंटा हो गया, इंटरवल का टाइम हो गया। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि मूवी कितनी इंगेजिंग थी, पहले पार्ट में बहुत ज़्यादा इंगेजिंग मूवी लगी है और कहीं भी बोर नहीं हुआ। एक फ़नी जो था, एक आप बोल सकते फनी सेंस ऑफ ह्यूमर इस मूवी में भी अक्षय कुमार का देखने को मिला, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने बहुत अच्छे तरीके से मूवी बनाई है, मूवी बनाने में मुझे कहीं पे भी कोई कमी नहीं लगी, पिक्चराइजेशन, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्रेजेंस, VFX वगैरह में कहीं मुझे कोई कमी नहीं लगी। ऑनेस्टी में बताऊं तो कहीं पे भी मुझे कोई कमी लगी, बहुत अच्छे तरीके से मूवी बनाई है, सबका कैरेक्टर जो है वो जस्टिफाई किया है, सारी चीज़ें मुझे एक नंबर लगी है जिस तरह की मूवी बनाई है। तो पहले हाफ में तो मूवी अच्छी थी, दूसरे हाफ में आपका थोड़ा मन खराब हो जाएगा जिस तरह का क्लाइमैक्स है और जिस तरह से दूसरे हाफ में आपको लगे कि मूवी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। जैसी पहले पहले हाफ में आपने देखा होगा कि थोड़ा आपको डिटेल में सुनने को मिलेगा, इंगेज हो जाएंगे आप मूवी से, और इंटरवल आते आते वो मिशन फाइनली जो है वो अक्षय कुमार को सौंप दिया जाता है और फिर दूसरे हाफ में उस मिशन पर वो जाते हैं और इतनी जल्दी जल्दी कहानी चलती है और फिर क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स आपको इतना परेशान कर देगा। उस तरह का जिस तरह की मूवी चल रही थी, जिस तरह की ये मूवी ने एंगेज किया था पब्लिक को, उस तरह का क्लाइमैक्स इस मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप वहीं थोड़े डिसअपॉइंट होंगे। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, अक्षय कुमार ने जिस तरीके की मूवी हम बोल रहे थे बिल्कुल कहीं बोर नहीं हुए और ऐसी ही मूवी जो है वो थिएटर्स में आना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे अंदर से सिर्फ एक ही फीलिंग आई कि ये थिएटर्स वाली मूवी थी, ये थिएटर्स में ही आना चाहिए थी, इसको OTT पर, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी जो थिएटर्स के लिए बनी थी, हमने OTT पर देखा तो फाइनली ये थिएटर्स में आई है, इससे थिएटर्स की शुरुआत हो गई। अब आशा यही करते हैं कभी थिएटर जो है वो बंद ना हो और भी अच्छी अच्छी मूवी जो है हमें देखने को मिले। तो यही था बस मेरी तरफ से बेल बॉटम का, कि आपको आपको जो एंडिंग है वो थोड़ी परेशान करेगी, बाकी एक्टिंग सबकी लाजवाब है। मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो किया है जैन खान दुर्रानी ने, जो इसमें एक
आईएसआई का एजेंट बना हुआ है जो हाईजैकर्स है, उसने इतनी कमाल एक्टिंग की है कि मेरे दिल से ये निकल रहा था कि इस बंदे को आज तक कोई बड़ी फिल्म लगी नहीं, कोई बड़ी फिल्म मिली क्यों नहीं है, इस तरह की उसने एक्टिंग की है। जब जब वो स्क्रीन पे आ रहा था तब तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा फाड़ रहा है, पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहा है, पाकिस्तानी एक्सेंट में बात कर रहा है, और कोवर्ट एजेंट बना हुआ है, उसकी भूमिका लड़की वड़की बन रहा है, उसमें एक नंबर एक्टिंग कर रहा है, जिस तरह से घूर रहा है, चश्मा लगा रहा है, डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, बहुत औसम एक्टिंग की है। मतलब उसने टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली उसने एक्टिंग की है। और एक जो इसमें है आदिल हुसैन साहब, उसकी उनकी तो बात ही क्या की जब पूरी मूवी में वो आपको देखेंगे और ऐसे ऐसे डायलॉग, एक डायलॉग तो वो कुतिया वाला के रॉ ये है रॉ वो है रॉ क्या है रॉ ये जो बोलते हैं वो, और फिर आदिल हुसैन साहब उसका जवाब देते हैं कि कुतिया के बच्चे ने उससे पूछा कि बेटा पापा कौन है, तो कुतिया ने बोला कि बेटा मैंने देखा ही नहीं है, वो जब भी आते हैं पीछे से आते हैं और पीछे से चले जाते हैं, वही रॉ है। तो ये बहुत इंगेजिंग पूरी मूवी का बेस्ट डायलॉग मुझे लगा, आप थोड़ा सुने उसमें जाके तो आपको और लगेगा। मैं थोड़ा जैसा मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया सर, रैंडमली मुझे याद नहीं है। तो आप देखें, उन्होंने हर जगह पे अपना स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, बहुत मज़ा आया उनको भी देख के। और एक लास्ट में आपको एक छोटा सा आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा इस मूवी में। मुझे समझ में नहीं आया कि इस मूवी में उस ट्विस्ट की क्या जरूरत थी, अगर इसका दूसरा पार्ट लाना है तो वो ट्विस्ट आना चाहिए था, बाकी आना ही नहीं है ऐसा कुछ। तो वो बहुत ही छोटा सा मामूली सा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखें मूवी और बताएं। मुझे तो ठीक ठाक लगी है, मतलब अच्छी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी है जैसा मैं अच्छा बोल दूं, और बुरी तो है ही नहीं, मूवी एवरेज मूवी है। 3 out of 5 stars इसको दे सकते हैं एक हिसाब से देखा जाए, इस तरह की मूवी है। और ज़्यादा उतना अच्छा भी नहीं बोल सकते, उतना बुरा भी नहीं बोल सकते जैसा मैंने बोला। हाँ, हालांकि थिएटर्स में देखने गए थे मूवी, तो वो थोड़ा एक एडवांटेज बन जाता है, लोग इतने दिन बाद थिएटर्स में गए हैं तो शायद उनको पसंद आए मूवी, और जो थिएटर्स का माहौल है उसको बड़े दिनों के बाद उस थिएटर्स में घुलने उस माहौल में घुलने मिलने का एक तरह से आपको मज़ा आ जाए, तो इसलिए लोग इसको शायद अच्छा सपोर्ट करें। बाकी अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पहले दिन का बिजनेस का सबसे कम रहा है, 2 crore something 6 lakh का इसने पहले दिन ओपनिंग किया, जो सबसे कम है अभी तक की। इससे पहले जब थिएटर्स खुले थे तो उसमें रूही ने 3 crore something किया था मुंबई सागा में, उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर जो अब बेल बॉटम आ गई है। और इसका एक रीज़न मैं ये भी मानता हूँ, मुझे रिसेंट ओपनिंग लगी है, इतनी ज़्यादा नहीं बोलती, तो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर्स खुल रहा है, उसमें मुंबई जैसी जो मार्केट बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री का, वहाँ पे थिएटर्स खुले नहीं है, तो उसका एक एडवांटेज मिल गया, मतलब उसका एक नुकसान हो गया इस मूवी को। अगर मतलब इससे पहले जो थिएटर्स खुले थे अभी बीच में जब मुंबई सागा और रूही वगैरह थिएटर्स में रिलीज हुई थी, तो सारी जगह थिएटर्स खुले थे मेरे हिसाब से, मुंबई में भी खुले हुए थे, तो वो शायद इतनी ही ओपनिंग कर जाती थी मूवी, लेकिन अब मुंबई में ही नहीं खुले हैं, सबसे बड़ी जो मार्केट है फिल्म इंडस्ट्री का वहाँ नहीं खुले हैं। तो मुझे ये 2 crore के समथिंग जो पहले दिन की ओपनिंग रही है बेल बॉटम की, मुझे डिसेंट लगी है। मैं उतना नहीं बोलूँगा जिस तरह का बाकी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि फ्लॉप है मूवी ये है वो, मुझे फ्लॉप कहीं से नहीं लग रही है, डिसेंट ओपनिंग है मेरे हिसाब से। और अभी शुरुआत है और कोरोना के बाद थिएटर्स खुले हैं, लोग थोड़ा जाने में थोड़ा हिचकिचा रहे होंगे, धीरे धीरे जाएंगे पहुंचेंगे पहला दिन तक कल, और जैसा मैंने ब्लॉग में भी बोला कि शायद पहला दिन था इसलिए लोग कम आ रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को, काफ़ी लोगों को पता, जो फिल्में वगैरह बहुत कम देखते होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा, उन्हें पता चलेगा कि आईनॉक्स खुल गए हैं और मूवी लगी हैं लगने लगी हैं सब पहले जैसा हो रहा है, तो शायद वो देखने आएंगे, तो अभी बहुत टाइम है, बाद में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पर। तो बस यही था आज के वीडियो के लिए, और जो हमने चीज़ें पिछले कुछ दिनों में मिस करी हैं उनको भी धीरे धीरे कवर करेंगे, काफ़ी सारे ट्रेलर्स आए हैं, काफ़ी सारी मूवीज आए हैं, मूवीज़ तो नहीं आई हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग्स वगैरह आए हैं, उन सब का रिव्यू करेंगे टाइम मिला तो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और बने रहें फिल्मी टॉक के साथ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।